अवस्था पर कोई आंच नहीं आएगी, सब कुछ ठीक ठाक है। नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, 22 करोड़ नौकरी मांग रहे थे, 7 लाख को दिया, लेकिन दिया ना। इस स्थिति में अगर महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, करेंसी भारत की नीचे चली जाना, इन सारी परिस्थितियों के आकलन में जो महत्वपूर्ण चौथी बात है, क्या भारत की अर्थव्यवस्था को संभाल पाने में सरकार पूरे तरीके से फेल हो गई है? और 2023 याद रखिए, 2023 2024 के इलेक्शन से पहले का वो साल है जो दुनिया के नजर में भारत की ग्रोथ रेट लगातार कम की जा रही है और भारत के लोगों के सामने जो संकट की परिस्थितियां अभी महंगाई और बेरोजगारी और जीएसटी के भार तले आ रही है, उसकी तुलना में 2023 बीतते बीतते यानी 2023-24 का जब बजट रखा जाएगा उस समय तक भारत के बैंकों की स्थिति जो डूबे हुए हैं क्योंकि वहां पर कर्ज लेकर ना लौटा पाने की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। और किताब को ठीक रखना है तो रिटर्न ऑफ लगातार किया जा रहा है, वह हिस्सा 10 लाख करोड़ को, 10 लाख करोड़ का आंकड़ा आसानी से पार कर जाएगा जो अभी कम बताया जाता है। जो रिटर्न ऑफ था उसको लगातार और माफी में देगा। सवाल सिर्फ एक ही है, सरकार की कमाई जो टैक्स के जरिए होती है उसका एनालिसिस इस तिमाही को लेकर कहा किया गया कि दरअसल सरकार 21 से 22 लाख करोड़ रुपया सिर्फ टैक्स से वसूलेगी, जनता के टैक्स से, कॉरपोरेट टैक्स से नहीं। और सरकार का पूरा बजट 33-34 लाख करोड़ का है जिसमें से 21-22 लाख करोड़ सीधे जनता के ऊपर टैक्स लगाकर कमाई होगी। दूसरे माध्यम कुछ नहीं बचते हैं। एक कॉरपोरेट से जो टैक्स लिया जाएगा वह इस रूप में होगा कि यह हिस्सा जो है जो 21-22 लाख करोड़ का है यह बढ़कर किसी तरीके से 25-26 लाख करोड़ तक पहुंच जाए और उसके बाद घाटे की परिस्थिति, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है, प्राइवेटाइजेशन की परिस्थिति रुकी हुई है, कोई खरीदने को तैयार नहीं है, मोनेटाइजेशन की स्थिति नए रूप में क्रिएट की जा रही है, जो 6 लाख करोड़ का आंकड़ा रखा गया उसमें से 2 लाख करोड़ रुपए अभी तुरंत चाहिए वह भी नहीं आ पा रहे हैं, या वो आएंगे तो वो 2 लाख करोड़ की राहत के तौर पर होंगे लेकिन वह जनता के लिए और महंगे हो जाएंगे। इन सवालों के बीच कोई आखिरी सवाल, एक ही सवाल, अगर अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी को सरकार चला पाने में पहले 3 महीनों में वित्तीय घाटा जो 6-7% रहना चाहिए था वो 4 गुना अगर बढ़ते हुए नजर खुले तौर पर आ रहा है तो क्या इस देश के लोगों को सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहिए? लेकिन ये सवाल पूछा कहां जाए? पार्लियामेंट में सवाल पूछ नहीं सकते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी चर्चा होगी नहीं, सोशल मीडिया पर सरकार ध्यान देगी नहीं और उसका अपना आईटी सेल अपने तौर पर जिस चकाचौंध को परोसेगा इस देश के सामने उसका एक ही मतलब है, भारत की अर्थव्यवस्था कुनाचे मार रही है, विकास दर दुनिया की तुलना में सबसे शानदार है, मंदी यहां आएगी नहीं, भूखमरी हम होने नहीं देंगे क्योंकि 5 किलो अनाज हम सितंबर के बाद भी बांटेंगे। क्या वाकई इस परिस्थिति में देश को समझा जा सकता है और देश को इस रूप में मान्यता दी जा सकती है कि सरकार यकीनन शानदार तरीके से देश की इकोनॉमी को संभाले हुए है? अगर हां तो हमें कुछ नहीं कहना है और अगर ना तो फिर सवाल पूछने की स्थितियां इस देश में पैदा जनता ही करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।